हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे भाई रिगार्डिंग अब ग्राम सचिव का एग्ज़ाम कब होगा और मतलब आने वाले टाइम में कितना टाइम हो सकता है, एग्ज़ाम जो है नोटिस में पोस्टपोन्ड हुआ है या कैंसिल हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग जो आज सारी बातें जो आप डिटेल से बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं HSSC से सारे जितनी भी न्यूज है वो आपके लिए लेके आता रहता हूँ इस चैनल के थ्रू। तो वही बात करते हैं, कल नोटिस आया ग्राम सचिव का, आप सब ने देख लिया होगा। उस नोटिस में एक लाइन जो है वो मेंशन की हुई है कि मतलब ये 7, 8, 9 को जो एग्जाम होना था इज हेयर बाई कैंसिल्ड। कैंसिल्ड और पोस्टपोन्ड में फर्क है। पोस्टपोन्ड का मतलब है भाई हम आगे के लिए टाल दिया, मतलब पेपर होएगा, लेकिन उन्होंने लिखा भाई कैंसिल। कैंसिल का मतलब जो है कि ये भर्ती जो है कैंसिल हो गई है, नई सिरे से जो है वैकेंसी आएंगी और नई सिरे से जो है अब आगे क्या बताइए, अब री एडवर्टाइजमेंट होए और इसमें एक्स्ट्रा औरों को जो है मौका देंगे, उसके बाद जो है इसका एग्जाम होगा। एग्जाम CET के थ्रू जो है अब ज़्यादा चांसेस है फूड कोऑपरेटिव सोसाइटी का CET के थ्रू हो, क्योंकि अब CET की तैयारियां शुरू हो चुकी है और CET के थ्रू होएंगे सब कुछ, ग्राम सचिव का भी और फूड सोसाइटी कोऑपरेटिव का भी। ये बस पुलिस की जो वैकेंसी थी, पुलिस तक जो है जिनके एग्जाम हो लिए वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन अब जो नई भर्ती होंगी वो CET के थ्रू होगी। तो भाई कुछ से भाई लॉकडाउन ने मार दिए स्टूडेंट्स को, 2 साल पीछे लॉकडाउन की वजह से ख़राब हो गए और अब थोड़ी आस थी भाई स्टूडेंट्स की कि अब तैयारी भी अच्छी हो रही थी सबकी और भाई अब सबको लग रहा था हाँ भाई तैयारी है, एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन भाई परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं भाई, एग्ज़ाम करवाना मुश्किल है, कंडक्ट हो नहीं पाएगा भाई 2-3 महीने तो आप मान के चलो। जैसी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाती ना उस भाई, जब तक तो एग्ज़ाम होना पाना मुश्किल है, वो सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद भी ये जो है टाइम लगाएंगे 2-3 महीने, उसके बाद भी लग जाएंगे, मतलब लगभग जो है आप 6 महीने भाई कुछ कह सकते हैं, 6 महीने मान के चलो। और भाई इस लॉकडाउन में जो तैयारी कर लेगा ना वो एग्ज़ाम निकाल देगा और भाई जिसकी तैयारी नहीं होगी भाई वो रह जाएगा। तो भाई ये अपडेट थी जो आपको देनी थी भाई, मतलब अगर तैयारी साथ के साथ रखोगे, करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि करंट अफेयर चलते रहेंगे और आप जो है पीछे रह जाओगे, करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे तो भाई साथ के साथ जो है तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। कुछ नहीं कह सकते भाई कब जो है एग्ज़ाम हो जाए, अभी तो जो है प्रोसेस 2-3 महीने का तो आप मान के चलो जो है लेट हो गया सब कुछ। तो भाई ये जो न्यूज़ थी भाई वो ग्राम सचिव की, तो इन्होंने वैकेंसी जो है वो रद्द ही कर दी, नए सिरे से जो है वैकेंसी आएंगी, री एडवर्टाइजमेंट होगी, सबको मौका मिलेगा फार्म भरने का ग्राम सचिव का, जो ग्रेजुएट हो जाएंगे इस साल उनका रिजल्ट आ जाए उनको भी मौका देंगे ये। और भाई फूड कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है वो भी री एडवर्टाइजमेंट आपकी होगी और CET के थ्रू ये वैकेंसी आएगी। CET के एग्जाम होने के बाद जो है वैकेंसी आती रहेंगी आपकी, CET के थ्रू जिसका क्लियर होगा वही CET के से लग जाएगा जॉब, और डी ग्रुप में तो CET आपका क्लियर करना पड़ेगा, CET से मेरिट उठा लेंगे और बाकी सी ग्रुप की जो पोस्ट है उनमें आपका जो है सेकंड एग्जाम होगा। तो भाई ये अपडेट आपको देनी थी, कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो चुका, ग्राम सचिव के जो है वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है जहाँ तक की अभी तक की जो है अपडेट आई है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, आप सेफ रहें और कोरोना की दोनों डोज आप वैक्सीनेशन आपको अच्छी तरीके से करवा लीजिए, यही बस मैं कहता हूँ, आप घर पे रहिए और सेफ रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू।